देखिए फायदा और नुकसान की बात नहीं है, मैं जनता के बीच काम किया हूं जी। जनता पांच वर्ष पवन जायसवाल जी को भी देख लिया है, जनता पांच वर्ष फैसल रहमान जी को भी देख लिया है। हूं अकरम जफीर, और जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर कोई पार्टी अपनी अपने तौर पे तैयारी भी शुरू कर दी है। इस वक्त हम हैं मोतिहारी जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र के घोड़ासान में, और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं रामपुकार सिन्हा, पूर्व यहाँ के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और जदयू में एक बड़े पद पर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर चलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर आप क्या तैयारी शुरू हो गई सर आपकी तरफ से? देखिए राजनीतिक जीवन में तो अब लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव जी। और हम लोग बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं जी। और उनके बताए हुए राहों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। समता पार्टी से लेकर आज तक के राजनीतिक जीवन में हम लोग मुख्यमंत्री के बताए हुए कार्यों पर चलने वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि तैयारी शुरू हो गई है, तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की तैयारी में रहता और शुरू कर देता है। मुख्यमंत्री का जो आदेश होगा हम लोग करने के लिए तैयार। एक तरफ कोरोना की महामारी है और आप चुनाव में हैं, तो जनता के बीच आप कैसे पहुँचेंगे? सर कोरोना वैश्विक महामारी है और कोरोना वैश्विक महामारी के इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं आपके मिलत चैनल के माध्यम से कि आज पूरे विश्व में भारत एक अपना अहम योगदान किया इस महामारी को रोकने में। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में बिहार जहां के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है, आप देखे हुए कितना ग्राफ कम किए हैं, तो उनका एक सहज योगदान रहा इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए। और सभी राजनीतिक कार्यकर्ता वैश्विक महामारी का तमाम नियम को पालन करते हुए राजनीतिक जीवन का अपना राजनीतिक कार्य करते रहेंगे। सर इस महामारी में कई लोग मर गए, सर आपकी सरकार सोती रही, बाद में उन्होंने ट्रेन का ऐलान किया कि हम बिहार के लोगों को लाएंगे, लोग मर गए, उस पर सर आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया अब तक। आप जरा डाटा दीजिए तो बिहार के कितने लोग बाहर मरे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां अपने राज्य से दूसरे राज्यों में गए हुए मजदूरों को, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, पूरी व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में वापस बुलाया। यहां तक कि दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के खाते में एक एक हजार रुपए दिया। यह बिहार का पहला मुख्यमंत्री ऐसा जो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार की क्यादत में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी यानी जदयू चुनाव लड़ेगी, क्या आने वाले वक्त में आप यहाँ, आपका दावेदार है यानी कहना है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो पहले से नेता है वो तैयारी कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे सर आपको? देखिए ये तो NDA गठबंधन का सवाल है जी। और NDA गठबंधन तय करेगी, जिसके शीर्ष नेता बैठकर तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय JP नड्डा जी है, लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय रामविलास पासवान जी है, उनके पुत्र चिराग पासवान जी हैं जो भी देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम, और हमारे जनता दल यू में आदरणीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी देख रहे हैं। वो लोग बैठकर तय करेंगे, जो उम्मीदवार भेजेंगे उस उम्मीदवार के साथ पूरी गठबंधन, पूरी मुस्तैदी के साथ NDA गठबंधन के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो या हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी हो, पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने का। सर ऐसा ना हो कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी RJD के साथ गठबंधन के साथ मैदान में आई थी और अच्छी सीट लाई थी, क्या अगर आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर क्या आप RJD की तरह, यानी RJD से आप अलग हुए तो उस तरह भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लोगों के विश्वास के साथ धोखा करेंगे आप? मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास के प्रतीक हैं, सभ्यता संस्कृति पर अपना जीवन जीने वाले लोग हैं, वे कभी भी गलत कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी को लगेगा कि कोई व्यक्ति गलत राह पर जा रहा है तो उसको पहले समझाने का काम करेंगे। आप जो बोल रहे हैं मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में फंसते हैं तो यह तय है कि भाई अगर हम बड़े पद पर हैं किसी मामले पर, तो हमको इस्तीफा सम्मान दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सोच समझकर राजनीति करते हैं और आज उन्हीं का दिन है कि 15 वर्षों के पूर्व के शासनकाल को, इन्होंने 15 वर्षों के अपने शासनकाल में बिहार को जिस पटरी पर ला दिए हैं, शायद ऐसा कोई करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा।
ढाका विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, पुल का है, सड़क का है। आपने 5 साल में फुलवड़िया जो पुल है उसके मामले को किसी पार्टी ने नहीं उठाया, चाहे वो विधायक हो या किसी ने भी। आपकी तरफ से इस मामले में क्या पहल की गई? आपको मालूम होना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो मुख्यमंत्री जी किए थे मोतिहारी जिला के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, तो मुख्यमंत्री जी ने 70 घाट पुल के सरिया और फुलवड़िया घाट पुल का जिक्र किया था। और मुख्यमंत्री जी बोले थे फुलवड़िया घाट से पुल का निर्माण समेत पूरे नोमेंस लैंड का जितना सड़क है 77 पॉइंट कुछ किलोमीटर, चंपारण का जो सीमा पड़ता है उसको चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के नज़र में पिलर उठ गया है, पुल का निर्माण भी उस पर स्लेब जो होने वाला है, जो अप्रोच रोड चंपारण और सीतामढ़ी जिला का जो है वो दोनों बन जाएगा। और स्वयं मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लोग को बताए थे। सर, आप पिछली मर्तबा क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से आप तीसरे नंबर पर जा चुके थे, हालांकि ऐसा उम्मीद जाहिर किया जा रहा था कि आप दूसरे नंबर पर होंगे, कौन सी कमी रह गई थी सर? आप लोगों ने आप पे विश्वास नहीं किया क्या? अब ये पब्लिक है, सब जानती है, हमारी जनता को लोगों ने किस तरह बगलाने का काम किया, लेकिन हमारी जनता पे मेरी पूरी भरोसा है। जनता ने सबको मौका देती है। विगत चुनाव ने जब जिस समय घोड़ासन विधानसभा क्षेत्र था, आपको थोड़ा मैं इतिहास बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे विधानसभा के लोगों को, पूरे चंपारण बिहार और देशवासियों को, कि पहले घोड़ासन विधानसभा था, उस समय घोड़ासन प्रखंड और चिरैया प्रखंड मिलकर एक विधानसभा था, लेकिन 2010 में घोड़ासन विधानसभा का नाम समाप्त हो गया। घोड़ासन और ढाका प्रखंड मिलकर, घोड़ासन का 14 पंचायत, ढाका का 23 पंचायत और एक नगर पंचायत मिलकर ढाका विधानसभा क्षेत्र बना। 2010 का चुनाव हुआ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से निकला। 2015 का चुनाव हुआ, मैं भी प्रत्याशी बना, जनता ने मुझे 22 हज़ार मत दिया, लेकिन वहाँ जिताने हराने के मामले में रामपुकार सिन्हा तीसरे स्थान पर चले गए। लेकिन जब लोगों ने मेरा वोट को देखा, अरे रामपुकार सिन्हा, हमको उम्मीद थी कि मैं चुनाव जीतूंगा, लेकिन अब जनता एक तरफ NDA गठबंधन, एक तरफ मांग रहा, मैं निर्दलीय था, उसके बावजूद भी 22 हज़ार लोगों ने मुझे मत अपना देकर मुझे राजनीतिक जीवन में एक पहचान दिया। मैं तो शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीतिक के चुनाव में लड़ा, और ये मेरा दूसरा चुनाव था। मैं पहला 2000 में भी MLA का चुनाव लड़ चुका था, उस समय घोड़ासन विधानसभा था। और आप देखिए इस बार कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि जदयू ने आपको टिकट नहीं दी, क्या करेंगे इस बार? देखिए पार्टी के फैसले का सवाल है, मैं पार्टी के साथ समर्पित हूँ। अगर टिकट नहीं देती तो आप आजाद नहीं? मैं पार्टी के साथ समर्पित हूँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय RCP सर, आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, इन लोगों का जो फैसला होगा मुझे सर्वमान है। वो मुझे किस प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रखेंगे सब मैं उनके ऊपर छोड़ दिया हूँ। मैं ढाका विधानसभा क्षेत्र में 303 बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव, हमारे घोड़ासन और ढाका प्रखंड के जो अध्यक्षगण हैं, इन लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने पूरा कमेटी का गठन किया है। ढाका विधान, पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र में जदयू को इतना मजबूत कर दिए हैं कि एक एक बूथ पर 100, 150, 200, 300, 400 कार्यकर्ता वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार है। वोटरों को निकालकर पूरा बूथ पर मुस्तैदी के साथ, और अब मैं को विश्वास दिलाता हूँ विगत लोकसभा चुनाव में आदरणीय सांसद रामा देवी जी चुनाव लड़ रही थी, उस समय मैं NDA चुनाव अभियान समिति का जदयू की ओर से संयोजक था, लोकसभा का, जनता दल यू का, और मैंने पूरी मुस्तैदी से 6 विधानसभा क्षेत्रों में काम करने का काम किया है। और उसका प्रतिफल आप देखे होइएगा कि 51 हज़ार में राजद का कैंडिडेट रह गए फैसल अली जी, और 101,112 वोट रमा देवी जी को मिला था, और रामपुकार सिन्हा उस समय संयोजक बना हुआ था। चुनाव पर पूरी मेहनत के साथ काम किया, जनता के भी जाइएगा, जनता आपको सिलेक्ट करेगी। सर, सिकरहना को आपने, मतलब ढाका विधानसभा या जो भी हो, सिकरहना को कई मरतबा आपने जिला दिलाने की मांग की थी, इस पर आपकी पार्टी, आपने अपनी सतह से, अपनी तरफ से बात उठाई है सरकार की तरफ? जी, मैं 2012-13 में विशाल सत्याग्रह आंदोलन किया था कि सिकरहना को जिला बनाया जाए। बहुत चर्चा हो गई थी कि ये सिकरहना जिला नहीं बनेगा, मधुबन चला जाएगा, पगड़ीदल चला जाएगा, ऐसा जो हल्ला उठा था, शिवहर में जुड़ जाएगा, शिवहर में जो है सब पूरा क्षेत्र शिवहर में चला जाएगा। तो उस समय हम लोगों ने लोगों को आश्वस्त किया कि भाई ये सिकरहना है, जब कभी भी अगर जिला की श्रेणी में आएगी तो सिकरहना जिला बनेगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक और छोटी पार्टी आ रही है जो बिहार में एंट्री मारी है, वैसी की, अगर वो बिहार ढाका विधानसभा में आती है तो आपको क्या लगता है, आपको फ़ायदा होगा व्यक्तिगत तौर पर? देखिए यहाँ डिपेंड होता है
लोगों की सोच पर। पार्टी तो बहुत सारे पार्टी है देश में, बिहार में भी बहुत सारी पार्टी है, वो डिपेंड होता है कि उस पार्टी का कैंडिडेट कैसा आ रहा है। आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है, मैं जनता के बीच काम किया हूँ। जनता 5 वर्ष पवन जायसवाल जी को भी देख लिया है, जनता 5 वर्ष फैसल रहमान जी को भी देख लिया है, और दोनों पे कंपेरिजन करने के बाद अब रामपुकार सिन्हा भी पूरी लंगोटा कसकर ढाका विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा है एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ जी। तो जनता को चुनना है ना, जनता क्या करेगी कैसे करेगी। और जनता देखिए बताते हैं, पार्टी के ऊपर कैंडिडेट का भी डिपेंड होता है, कैंडिडेट कैसा चेहरा आ रहा है जी। और रामपुकार अगर ढाका विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ है तो एक बार जनता मुझे भी मौका देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से आप भी आए, और आप तमाम लोगों को हमारे जनता दल यू परिवार की ओर से, खासकर NDA गठबंधन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और हमारी जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से, तीनों का हम लोग का गठबंधन है बिहार में, तीनों गठबंधन दल, तीनों दल के गठबंधन की ओर से आपके चैनल के माध्यम से हमारे ढाका विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम।